गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा, जिससे कि मेरे साथ साथ बनाने में आपको सुविधा हो और आपको जरूर से जरूर समझ में आए। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। सी यू बी कॉम ऑनर्स 2013 में आया था और वही क्वेश्चन 2015 में भी रिपीट किया। द फॉलोइंग बैलेंस अपियर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी 1 अप्रैल 2014। बैलेंस में देखिए 8% डिबेंचर है 1,20,000, सिंकिंग फंड 1 लाख, इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख है, बट इन्वेस्टमेंट किसमें? 6% गवर्नमेंट लोन जिसका नॉमिनल वैल्यू 110 है। तो इंटरेस्ट वगैरह सेल वगैरह 110 से कैलकुलेट होता है। तो फिर से देखो, आप डिबेंचर का बैलेंस है 120, सिंकिंग फंड है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख है, बट नॉमिनल वैल्यू 110 है। ये आपका साल के शुरू में है 1 अप्रैल 2014। यहाँ देखिए 31 मार्च 2015 एनुअल कंट्रीब्यूशन है 13,400। तो ये हो गया आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन। एनुअल कंट्रीब्यूशन का हम लोग को एंट्री करना होगा, एनुअल कंट्रीब्यूशन सिंकिंग फंड में बाय। अच्छा, इंटरेस्ट हम लोग को मिला है, सो फार रिसीव्ड है इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट का बात होगा तो 110 का इंटरेस्ट होगा एट द रेट 6%। इंटरेस्ट हम लोग को मिला है 6,600। इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है, नॉमिनल वैल्यू 110 है, 6% इंटरेस्ट रेट है, इसलिए इंटरेस्ट हो गया 6,600। लिखा है ऑल इन्वेस्टमेंट रियलाइज 90%। ये जो 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 90% मतलब 99,000 में बेच दिया गया, ऑल सारा बेच दिए। 1 लाख रुपया बुक वैल्यू है, 99 में बेच देंगे तो 1,000 रुपया लॉस हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है डिबेंचर को पे ऑफ कर देना है, डिबेंचर एट पार, ये पूरा डिबेंचर रिडीम हो जाएगा। बैंक बैलेंस भी दिया है आपको, क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिया है 42,500, ईयर एंडिंग का बैलेंस है, ये सब ओपनिंग बैलेंस था जबकि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, बोला नेसेसरी लेजर दिखाइए। नेसेसरी लेजर में तीन तो ये बनेगा ही, और डिवेंचर को पेड करना है तो डिवेंचर होल्डर, और बैंक बैलेंस दिया है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 8% डिवेंचर अकाउंट 1,20,000 1 अप्रैल 14 बाई बैलेंस बीडी 1,20,000, सिंकिंग फंड सेम डेट बाई बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस आपका 1 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेम डेट 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस बीडी, वो भी 1 लाख, लेकिन नॉमिनल वैल्यू 110। ठीक है, डिवेंचर होल्डर में कोई बैलेंस नहीं होगा, बैंक में बैलेंस होगा, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस था, ईयर एंडिंग देंगे 31 मार्च 2015 टू बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस देते हैं 42,500। ओके, तो ऐसे करके जितना अकाउंट बनाए थे सबका बैलेंस दे दिए। सबसे पहले देखिए डिवेंचर का बाई बी डी, सिंकिंग फंड बाई बी डी, इन्वेस्टमेंट टू बी डी। ठीक है, एनुअल कंट्रीब्यूशन का बात होगा, 31 मार्च 2015 बाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एनुअल कंट्रीब्यूशन का बात है, एनुअल कंट्रीब्यूशन आपको है 13,400, आईसी डेट में बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 1,10,000 का इंटरेस्ट आपको 6% बताए थे, 6,600।
एनुअल कंट्रीब्यूशन का एंट्री कर दिए, इंटरेस्ट का एंट्री कर दिए। अब हम लोग को इन्वेस्टमेंट को बेच देना है, बेचना है आपको 90% रेट में। तो 31 मार्च 15 बाई बैंक अकाउंट सेल 90% करके बेचेंगे तो 1,10,000 का 90% 99 होगा। और सेम डेट लॉस हो रहा है, लॉस सिंकिंग फंड का 2 में, बाय सिंकिंग फंड लॉस 1,000। 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट था, 99 में सेल हुआ तो आपको 1,000 का लॉस हो गया। लॉस सिंकिंग फंड के 2 में आ जाएगा। 31/3/15 टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000 का लॉस। क्लियर? अब बेचे थे तो बैंक में भी तो एंट्री आएगा, जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक में लाना होगा। टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 99 में बेचे, तो इन्वेस्टमेंट बेच दिए बाई बैंक और लॉस लिख दिए बाई सिंकिंग फंड। अब हम लोग का काम है डिवेंचर को पे कर देंगे, तो डिवेंचर को क्लोज कर देते हैं। डिवेंचर को टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर 1,20,000, 1,20,000 अकाउंट क्लोज कर देते हैं। डिवेंचर 1,20,000 का था, उसको रिडीम करना है, डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करके पेमेंट कर देते हैं। ये रहा आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट 31/3/15 बाई 8% डिवेंचर अकाउंट 1,20,000 31/3/15 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट 1,20,000 ड्यू हुआ, पेमेंट भी हो गया 1,20,000। ये नीचे आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में बाई डिवेंचर होल्डर अकाउंट 1,20,000 बाई बैलेंस सीडी बैंक अकाउंट का बैलेंस कर देंगे 141,500 1,20,000 पेमेंट हुआ 21,500। बैंक में बैलेंस था, इन्वेस्टमेंट बेचे, होल्डर को पेड किए, बैलेंस बच गया। ऐसे करके रिडेम्पशन हो गया। अब हम लोग को वो जो सिंकिंग फंड अकाउंट है, ये था बैलेंस, एनुअल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, ये हो गया आपको 0,0,0,0,120,120। इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट 119। जो बैलेंस बच गया सब जनरल रिजर्व के नाम से आ जाएगा। तो आप एक बार देख लो, बाई बीडी एनुअल कंट्रीब्यूशन का बाई पीएल, इंटरेस्ट का बाई पीएल, और लॉस आया था इन्वेस्टमेंट के नाम से, बाद बाकी जनरल रिजर्व। डिवेंचर अकाउंट देखोगे तो बाई बीडी और टू होल्डर क्लोज हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर देखते हो तो टू बैलेंस बीडी 1,00,000, नॉमिनल वैल्यू 1,10,000 था, बाई बैंक 99 में बेचे 1,000 लॉस हो गया। डिवेंचर होल्डर में बाई डिवेंचर ड्यू किए 2 बैंक, नया में आपका बैंक अकाउंट है 2 बीडी, इन्वेस्टमेंट बेचे थे 2 इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर होल्डर को पैसा दिए थे बाई डिवेंचर होल्डर, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी। तो ये हो गया सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को लिखें, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करें, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।